सो हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका एक और पोस्ट मैच रिव्यू में। आज था पीकेएल 11 का मैच नंबर 51 और 52। आज हुआ है कमाल, आज हुआ है लाजवाब, अनएक्सपेक्टेड चीज। जिस टीम ने सिर्फ एक मैच जीता था, गुजरात जायंट्स ने, उसने पटकनी दी है। और क्या पटकनी दी है वहां पे, मतलब 47-28 के स्कोरलाइन, ऑलमोस्ट डबल स्कोरलाइन से हराया है बंगाल वॉरियर्स को, जिसमें फजल अतराचली, मनिंदर सिंह, नितेश, ऐसे खिलाड़ी भरे पड़े हैं, मयूर कदम, नितिन धनकर, उसके बावजूद लगभग डबल के मार्जिन से हराया वहां पे मुकाबले में। और मुकाबले में स्टार रहे वहां पे गुमान सिंह, 17 रेड पॉइंट उनके नाम रहा, हिमांशु के नाम और जितेंद्र यादव, यानी दोनों कॉर्नर्स, सोमवीर को हटाया गया, हिमांशु को आज स्टार्ट कराया गया, उनके नाम 6 पॉइंट, जितेंद्र यादव के नाम 6 पॉइंट रहा आज के मुकाबले में। तो ये रही अब आज की स्टोरी। और क्या स्टोरी थी आज की, स्टोरी जो थी ऐसे कर देता हूं, हाँ तो ये रहा आज का गुजरात के लिए समरी। उसके बाद आते हैं दूसरी तरफ, अगर आपको बताऊं तो नितिन धनकर सिर्फ पॉइंट ला पा रहे थे, 11 उन्होंने रेड पॉइंट हासिल किए, उसके साथ में फजल का दिन नहीं था। फजल ने लास्ट वाले टैकल में रोहन को टैकल किया, जो कि राम महर सिंह के सुपुत्र थे, आज गुजरात की टीम में उनको आज सब्स्टिट्यूट करके डाला गया, बाद में जब ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे उनका टैकल किया, फजल का दिन नहीं था। बाकी किसी खिलाड़ी का दिन नहीं था, प्रवीण ठाकुर, प्रणय रहने का नाम भी 0 पॉइंट, मयूर कदम के नाम 3 पॉइंट, 3 ही पॉइंट मनिंदर सिंह के नाम, और 11 पॉइंट नितिन धनकर, 2 पॉइंट नितेश कुमार। तो ये समरी है, गुमान, हिमांशु, जितेंद्र यादव, सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस मोहित भाई, कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को नहीं पता, लेकिन आज गुजरात ने पटकनी दे दी, कैसे लग रहा है आपको? बिल्कुल जैसे गुजरात खेलते आ रही थी, आज उनका 9वां मैच था और 9वें मैच में आज ये दूसरी जीत है। यहाँ गुमान सिंह ने आज कमाल करके दिखा दिया, 17 रेड पॉइंट लिए और प्रतीक ने उनका साथ दिया। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा जितेंद्र की और हिमांशु की, जिन्होंने 6-6 टैकल किए हैं। आज इन दोनों कॉर्नर्स का कॉम्बिनेशन चला है, गुजरात की सबसे बड़ी जीत यही थी कि कॉम्बिनेशन के साथ खेली है। और गुमान सिंह ने आज साबित कर दिया और कोच को बता दिया कि 1.97 सीआर मेरे इनको ठीक दिए गए हैं, लेकिन अगर आगे जीतना है तो आगे इसी तरह परफॉर्म करना होगा। प्रतीक दहिया और गुमान सिंह, हिमांशु और जितेंद्र, आज ये 4 प्लेयर ही खेल रहे थे गुजरात जायंट्स में, लेकिन गुजरात जायंट्स गरजता है, बरसता नहीं था, लेकिन आज दोनों ही काम करके दिखा दिए। अब मैं बात करूं बंगाल वॉरियर्स की, माइटी मनिंदर नहीं चले, मयूर कदम ने 3 टैकल पॉइंट जरूर लिए हैं लेकिन गलतियां काफी की है, परनेरा ने एक भी नहीं, नितिन कुमार जैसा पहले से जब से मौका मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, हर मैच में उन्होंने अपना योगदान दिया है। आज नितेश कुमार ने 2-3 टैकल जरूर किए लेकिन पॉइंट्स एडवांस ज्यादा दिए, एडवांस टैकल करने की कोशिश की। नितेश ने आज गुमान सिंह को बेहद पॉइंट दिए है, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आज नितेश गुमान सिंह से नहीं हैवी हो पाए और फजल भी हैवी नहीं हो पाए गुमान सिंह पे, या बेंगलोर या बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस बिल्कुल नहीं चला है। यही इस मैच की कहानी थी। प्रीतम भाई, क्या आपको कमी रह गई, क्योंकि फजल के नाम 0 पॉइंट ऐसा लग रहा था कि आज तक तो हिस्ट्री में हमने कभी देखा ही नहीं था। लास्ट वाला 1 पॉइंट ले लिया उन्होंने रोहन को टैकल करके, लास्ट ही रेड था जो भी था उसमें टैकल किया वहां पे, लेकिन फजल की तरफ से भी इतना बुरा परफॉर्मेंस, ना टीम चला पाए ना खुद का परफॉर्मेंस दे पाए आज। आदि भाई, सबसे बड़ी बात यह है, देखो मैच शुरू होने से पहले स्टार्टिंग में ही मैंने ये बोला था कि गुजरात के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो देखो सामने वाली टीम के लिए, अगर बंगाल के पास पाने के लिए भी सब कुछ है, अगर खो जाएंगे तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा जी। लेकिन आज वही हुआ, आज गुजरात के डिफेंस ने, रेडिंग डिपार्टमेंट ने, जितेंद्र ने और हिमांशु ने जैसा दबंग दिल्ली के दोनों कॉर्नर ने गेम दिखाया था, सात सात टैकल पॉइंट, वैसे ही आज हिमांशु और जितेंद्र ने अपनी गुजरात की कमान संभाली और 6-6 टैकल पॉइंट, एक आउटस्टैंडिंग वर्क, बहुत ही शानदार लाजवाब। सबसे देखो डिफेंस चलता है तो विनिंग मोड बनता ही है, और गुमान सिंह आज के मैच में जो 17 पॉइंट लेके गए हैं, जो किक, जो स्पीड थे उनका, रनिंग एंड टच बहुत ही लाजवाब थे। सबसे बड़ी बात फजल अतराचली,
आज तक 10-12 सालों में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जो फजल अत्राजली 12-0 एक ये एक पॉइंट लेने में भी नाकामयाब रहे हैं। आदि भाई जो आप बोल रहे हो उस टाइम पे जो वो टैकल किया गया था वो सुनील कांबर करने थाई होल्ड करके किया गया था और फजल अत्राचली वहां पे स्पोर्ट के लिए गए थे। देखो मनिंदर का ना चलना तो एक थर्ड रेडर का ना चलना तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट हो जाता है बंगाल के लिए, माइनस पॉइंट हो जाता है। और पॉइंट माइनस किया है हरियाणा ने दूसरे मैच में पटना पायरेट्स का, मुकाबला था सेकेंड मैच जो था हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस पटना पायरेट्स का, 37-32 आखिरी में स्कोर रहा, वहां पे पटना को हराया हरियाणा स्टीलर्स ने। मैच की कहानी ये थी, शुरुआत में अच्छी लीड बना ली थी वहां पे 6-7 पॉइंट के आसपास की लीड थी हरियाणा के पास, उसके बाद सेकेंड हाफ में कमबैक करना शुरू किया, वहां पे ऑल आउट भी दिया यहां पे पटना पायरेट्स ने हरियाणा को, लेकिन उससे पहले भी एक बार अपॉर्चुनिटी थी ऑल आउट करने की, अगर वहां ऑल आउट कर देते जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ था उसी के आसपास में ऑल आउट करने की अपॉर्चुनिटी थी, वहां सब्स्टिट्यूट करके लाया गया था विशाल टाटे को, और वहां गलती किसने की थी, वहां गलती की थी सब्स्टिट्यूट होकर आए नवदीप ने, उनसे बहुत बड़ी गलती थी, एंकल पे गए, एंकल पकड़ा विशाल टाटे का, वहां से एक बोनस प्लस 1 पॉइंट दे दिया, उसके बाद प्लेयर्स और रिवाइव हो गए, बाद में टैकल भी होने लगे, वहां पे ऑल आउट नहीं दे पाए, उसके 2-3 मिनट के बाद ऑल आउट दिया, जिसकी वजह से एक पॉइंट फिर भी लीड में थी हरियाणा स्टीलर्स, क्योंकि राहुल सेतपाल को बोनस दे दिया गया था लास्ट वाले टैकल करने से पहले। तो ये थी कहानी, 29-28 का स्कोर लाइन था उस वक्त जब ये ऑल आउट हुई टीम, उसके बाद तो आने ही नहीं दिया पटना को मैच में वापस, और आखिर में 5 पॉइंट की जीत दर्ज की। लेकिन सबसे पहली बात रेडर्स की अगर बात करें हरियाणा की, शिवम पटारे 5 पॉइंट, विशाल विनय 6 पॉइंट, उसके साथ में अगर सब्स्टिट्यूट होके आए विशाल टाटे के नाम 3 पॉइंट, 6-5-11 और 3-14 पॉइंट इन्होंने पूरे मैच में लिए हैं तीन रेडर्स ने मिला के। कब तक डिफेंडर गेम चलाएंगे हरियाणा के लिए मोहित भाई? आदि भाई मेरा कहना एक ही है और हरियाणा स्टीलर्स के कोच का भी कहना एक ही है कि डिफेंडर हमेशा चैंपियन बनाते हैं और डिफेंडर जब तक चलेंगे मैच जीतते रहेंगे। आज उनकी चौथी लगातार जीत थी। हाँ। साथ दिया शिवम ने, विनय ने, शिवम पटारे ने, बिल्कुल तो तीनों का मिला जुला रूप था। हाँ। सुपर टेन किसी ने भी नहीं किया, बट राहुल सेतपाल ने अपना हाई फाइव लगाया और हाई फाइव लगा के ये साबित कर दिया कि राहुल सेतपाल अपनी परफॉर्मेंस में कंटिन्यू बरकरार है। और शादलू के तो क्या कहने, शादलू जैसे ही आए वैसे ही रेडिंग डिपार्टमेंट को भी संभाला और लास्ट में एंजॉय करते गए। सबसे बड़ी गलती हुई पटना पायरेट्स के डिफेंस से, आज तीनों डिफेंडर चले हैं लेकिन गलतियां की है। हाँ, पटना पायरेट्स ने हरियाणा स्टीलर्स को बिल्कुल टाइम पर ही ऑल आउट कर दिया था, बट वो एक बोनस राहुल सेतपाल की भारी पड़ गई, और भारी पड़ा वो सुपर टैकल जब आया ना, और गलती से लोबी का यूज कर गए, सुपर टैकल हुआ वहां पर, रिव्यू नहीं था किसी भी टीम पे, लेकिन मूवमेंट वहीं से बना हरियाणा स्टीलर्स के बाद दोबारा। ये सबसे बड़ी चीज थी हरियाणा स्टीलर्स के लिए, लेकिन हरियाणा स्टीलर्स की आज चौथी लगातार जीत के कारण ये साबित होगा कि हरियाणा स्टीलर्स डिफेंडिंग चैंपियन बन सकती है इस सीजन, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स ने वो करके दिखाया है आज के मैच में भी। और अब तक पीकेएल सीजन 11 में ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिन्होंने 4 जीत कंटिन्यूली हो, शायद पुनेरी पलटन भी एक बार बीच में ब्रेक हुआ था, हारी थी या टाई हुआ था। तो मेरा मानना यह है, जहां तक मैं सोचता हूं, कि हरियाणा स्टीलर्स डिफेंडिंग चैंपियन बन सकती है, न्यू रेनिंग चैंपियन बन सकती है बिल्कुल। लेकिन मेरा कंसर्न इसलिए था रेडर्स पे, हरियाणा स्टीलर्स के पिछले बार का फाइनल पुनेरी के खिलाफ रेडिंग से ही हारे थे, क्योंकि एकदम उनको समझ में नहीं आ रहा था, मैं जो स्कोर कार्ड था विनय पॉइंट नहीं ला पा रहे थे, शिवम पटारे पॉइंट नहीं ला पा रहे थे, तो रेडिंग की जरूरत पड़ती है आपको क्रूशल मैचेस में, ये मेरा कंसर्न है, क्योंकि डिफेंडर्स तो कमाल लाजवाब के हैं हरियाणा में, वो तो उसमें किसी को शक होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे प्रीतम भाई, कहाँ कमी रहेगी पटना से? देखो अगर पटना की बात की जाए तो अंकित का मैं नाम लेना चाहूंगा, देखो अंकित करते हैं ठीक है, लेकिन वो कारनामा नहीं करके दिखाते जो भरी सिचुएशन में जहां पे जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, आज मैं एक और अकरम सिंह के लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखो टाइम होती सिचुएशन होती है जी, और सिचुएशन में अगर आप हैंडल करते हो या रेडर को टैकल करते हो वही आपको फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो सीधी सी बात है,
डिफेंस और रेडिंग डिपार्टमेंट देवांग और एन ने किया, लेकिन जो जब टाइम था सिचुएशन थी जो स्कोर निकालने का था उस टाइम पे हरियाणा स्टीलर के पांच या चार डिफेंडर रह रहे थे और पांच चार और पांच का डिफेंडर मजबूत कड़ी माना जाता है। उसी का फायदा हरियाणा स्टीलर को मिला और राहुल सेतपाल के जो एंडिंग में जो टैकल पॉइंट थे वो हरियाणा को विनिंग मोड की तरफ लेके गई। नहीं तो रेडिंग डिपार्टमेंट इधर से भी शेम है और इधर से भी शेम है। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंडर अच्छा रोल करता है दोनों कॉर्नर राहुल सेतपाल और यहाँ पे अपने सादलुई दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा था। पहले मैच में भी कॉर्नर कॉम्बिनेशन अच्छा था और यहाँ पे हरियाणा में भी कॉर्नर कॉम्बिनेशन अच्छा था, वही टीम विनिंग मोड की तरफ जाती है। और बिल्कुल, और मेरे हिसाब से नाउ इट्स अ हाई टाइम कि यहाँ पे अरकम शेख को भी स्टार्टिंग सेवन से बाहर करना चाहिए। बाबू मुर्गसन है वहां पे पटना की टीम में जो कि जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए। आज भी 0 पॉइंट था अरकम शेख के नाम, एडवांस टैकल्स में जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आज पटना को हार का मुंह देखना पड़ा है। चीजों से सीखना पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल की आपको लास्ट में जाते जाते स्थिति बता देते हैं जी, पॉइंट्स टेबल की आपको स्थिति बता देते हैं। हरियाणा स्टीलर 36 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, पुनेरी पटन सेकंड, थर्ड यू मुंबा, फोर्थ पटना पायरेट्स, फिफ्थ दबंग दिल्ली और सिक्स पे तेलुगु टाइटंस, सेवेंथ पे जयपुर, एट्थ पे बंगाल, नाइन्थ पे तमिल, टेंथ पे यूपी, इलेवेंथ पे बेंगलुरु, ट्वेल्थ पे गुजरात जायंट्स। ये है अभी तक का पॉइंट्स टेबल और ये था हमारा दोनों का रिव्यू। तो जल्दी से आप लाइक बटन दबा दीजिएगा और कमेंट्स में आपकी अपनी ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।